एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं फिर से हाजिर हूँ आप सबके सामने एक नए वीडियो के साथ। फ्रेंड्स, आज मैं अपनी इस वीडियो में आपको कान में होने वाले दर्द तकलीफ से कैसे छुटकारा पाए, वो भी बिल्कुल आसान तरीके से, उसके बारे में बताऊंगी। फ्रेंड्स, इस वीडियो को बनाने से पहले, फ्रेंड्स, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपने बेल आइकन को नहीं दबाया तो प्लीज़ बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको हमारी वीडियो की अगली नोटिफिकेशन जल्दी ही मिल सके। फ्रेंड्स, इस रेमेडी को बनाने के लिए हमें आधे से भी कटा हुआ आधा प्याज और कुछ 5 से 6 कलियां लहसुन की और सरसों का तेल लेना है, और हमें इन सब चीज़ों को अच्छे तरीके से पकाना है। फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने एक पैन में ऑयल गरम कर लिया है और मैंने लहसुन और प्याज को भी बारीक बारीक काट लिया है ताकि ये तेल में अच्छे तरीके से मिक्स हो सके। सो फ्रेंड्स, अब हमारा ऑयल गर्म हो गया है तो अब हम ये डाल देंगे और हमें इसको अच्छे तरीके से इनमें पकाना है जब तक कि ये बिल्कुल लैग ना हो जाए। इसको अच्छे तरीके से बनाना है जब तक ये अच्छे तरीके से इनका रस इस ऑयल में ऐड ना हो जाए और ये ब्लैक ना हो जाए। देखिए फ्रेंड्स, अभी अच्छे तरीके से पक गए हैं। अभी हमें इनको थोड़ा और ब्लैक होने देना है ताकि तेल अच्छे तरीके से पक जाए। अब हम अपना गैस बंद कर देंगे क्योंकि अब हमारा ऑयल पूरी तरीके से तैयार है। अब हम इसको ठंडा होने के लिए कुछ देर के लिए कहीं छोड़ देंगे। फ्रेंड्स, कान में दर्द हमेशा हमारी कुछ लापरवाही की वजह से हो जाता है। जैसे कि हम कई बार अपने कान की सफाई करते हैं तो हम कुछ ना कुछ ऐसा डाल लेते हैं अपने कान में जिससे कि हमारे कान में कुछ ना कुछ चुभ जाता है, जैसे कि माचिस की तीली डाल लेते हैं। तो हम फ्रेंड्स, हमें ऐसा कभी नहीं करना चाहिए क्योंकि हमें अपने कान का बहुत ही खास तौर पर ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि हमारे कान का जो पर्दा होता है अंदर का वो बहुत ही नाजुक होता है। अगर हम उसमें कोई नुकीली चीज़ डालेंगे तो हमारे कान में इन्फेक्शन होने का डर हो सकता है या फिर कान का पर्दा फटने का भी डर हो सकता है। तो फ्रेंड्स, प्लीज़ लापरवाही से नहीं बल्कि अच्छे तरीके से अपने कान की हिफाजत करें। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना ना भूलें, और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स।